ओम नमः शिवाय। प्रभु जी आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 42। अभी तक आपने सुना कल्मासपाद की कथा एवं पांडवों के द्वारा धौम्य मुनि को पुरोहित बनाना। अब कथा आगे, आज की कथा होगी द्रौपदी का स्वयंवर। प्रभु जी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब नर रत्न पांडव अपनी माता के साथ द्रौपदी स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए रवाना हुए तो कुछ आगे चलने पर उन्हें महर्षि व्यास के भी दर्शन हुए। जब पांडवों ने देखा द्रुपद नगर निकट आ गया तब उन्होंने एक कुम्हार के घर डेरा डाल दिया और उनके घर रहकर ब्राह्मणों के समान भिक्षा वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। किसी भी नागरिकों को यह बात मालूम नहीं हुई कि ये पांडव पुत्र हैं। राजा द्रुपद के मन में इस बात की बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह किसी न किसी प्रकार अर्जुन के साथ हो, परंतु उन्हें अपना यह विचार किसी पर प्रकट नहीं किया था। अर्जुन को पहचान लेने के लिए उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया जो किसी दूसरों से झुक न सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो चक्कर काटता रहता था, उसी के ऊपर वेदने का लक्ष्य रखा गया। द्रुपद ने घोषणा कर दी, जो वीर रत्न इस धनुष पर डोरी चढ़ाकर इस सजे हुए बाणों से घूमने वाले यंत्र के छिद्र से लक्ष्य वेद करेगा वही मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा। राजा द्रुपद के द्वारा आमंत्रित नरपति और राजकुमार स्वयंवर मंडप में आकर मंचों पर बैठने लगे। युधिष्ठिर आदि पांडव भी राजा द्रुपद का वैभव देखने के लिए वहां आए। वह उत्सव का 16वां दिन था। द्रुपद कुमारी कृष्णा बहुत सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर हाथों में सोने की वरमाला लिए मंद गति से रंग मंडप में आई। तब धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन देखो धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र दुर्योधन, दुर्विषह, दुर्मुख, विभीषंति, विकर्ण, दुशासन, युयुत्सु आदि वीरवर कर्ण को साथ लेकर तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। बड़े बड़े यशस्वी और कुलीन नरपति जिनमें शकुनी, वृषक, वृहद बल आदि प्रधान हैं, स्वयंवर में तुम्हें पाने के लिए यहाँ आए हैं। अश्वत्थामा, भोज, मणिमान, सहदेव, जयत्सेन, राजा विराट, सुशर्मा, चेकितान, पौंड्रिक, वासुदेव, भगवत, शल, शिशुपाल, जरासंध, बहुत से सुप्रसिद्ध राजा महाराजा यहाँ उपस्थित हैं। इन पराक्रमी राजाओं से जो इस लक्ष्य को भेद दे उनके गले में तुम वर माला डाल देना। जिस समय धृष्टद्युम्न इस प्रकार सबका परिचय दे रहा था उसी समय वहां रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, साध, मरुद्गण, यमराज और कुबेर आदि देवता भी विमानों द्वारा आकाश में आकर स्थित हुए। दैत्य, गरुड़, नागदेवर्षि और मुख्य मुख्य गंधर्व भी उपस्थित हो गए। बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, प्रधान प्रधान यदुवंशी और अन्य बहुत से महानुभाव स्वयंवर महोत्सव देखने के लिए वहां आए हुए थे। धृष्टद्युम्न का वक्तव्य सुनकर दुर्योधन, साल्व, शल्य आदि राजा और राजकुमारों ने अपने बल, शिक्षा, गुण और क्रम के अनुसार धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाने की चेष्टा की, परंतु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धमाक धमाक धरती पर जा गिरे। द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अपने अपने स्थान पर जाके बैठ गए। दुर्योधन आदि को निराश और उदास देखकर धनुर्धर शिरोमणि कर्ण उठा। उसने धनुष के पास जाकर झटपट उसे उठाया और देखते ही देखते डोरी चढ़ा दी। वह क्षण भर में ही लक्ष्य को भेद देता कि द्रौपदी जोर से बोल उठी, मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। जब इस प्रकार बहुत से लोग निराश हो गए तब शिशुपाल धनुष चढ़ाने के लिए आया, किंतु धनुष उठाने के समय ही वह घुटनों के बल नीचे जा पड़ा। जरासंध की भी वही दशा हुई और वह भी उसी समय राजधानी के लिए प्रस्थान हो गया। मद्रदेश के राजा शल्य की भी वही गति हुई जो शिशुपाल की हुई थी। जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य वेद न कर सके तो सारा समाज सहम गया। लक्ष्य वेद की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई।
प्रभु जी आज की कथा यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे आपसे शीघ्र मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।